शिक्षा, ओ शिक्षा। आई माँ। बोलो माँ। अरे कुछ काम काज सीख लो, ना कटाओगे हमारे ससुराल जाकर? हमें ना करनी शादी वादी, हमें तो बस पढ़ना है। शिक्षा। क्या रहा हमारे दाखिले का पिताजी? बात कर लिए हम मास्टर जी से और करवा दिए हैं देवा दाखिला। देख बेटा, तेरी जिद पे तेरा दाखिला तो करवा दिए हम, वो भी सबके ऊपर से जाके। बस हमारी इज्जत पे आंच ना आए, कोई कोई दिक्कत ना हो, बस हम पूरा ध्यान रखेंगे आपकी इज्जत और अपने लक्ष्य का। माँ, माँ हम कॉलेज जा रहे हैं। मास्टर की छोरी, कहाँ जा रही है रे? कॉलेज। तुमको हमारे गांव का कानून मालूम नहीं है का? इधर तो अरे छमिया, हम पढ़ाएंगे तुमको। मुखिया के लड़के ने बोला है, अगर दोबारा कॉलेज जाती हुई नजर आई तो जान से मार दूंगा। कोई जरूरत नहीं है कल से कॉलेज जाने की। पिताजी हम कॉलेज जाएंगे। देख बेटा, हमने पहले ही कहा था, कोई दिक्कत आते ही तुम्हें पढ़ाई छोड़नी होगी। पर पिताजी। बस इसके आगे अब और कोई बात नहीं। पिताजी हम किसी भी हाल में कॉलेज जाएंगे, चाहे आप साथ दो या ना दो। शिक्षा कहाँ जा रही हो? कॉलेज। तुम्हारे बापू तुम्हें मार डालेंगे। मरना तो हमें यहाँ पे भी है, क्यों ना लड़कर मरे? बापू से तो हम लड़ नहीं पाएंगे। हम नहीं जाने देंगे तुम्हें। माँ, आज एक और औरत को आग में मत झोंको। हमारे सपने की पहली लड़ाई लड़ने जा रहे हैं हम। साथ चाहिए तुम्हारा, एक माँ और एक औरत, दोनों हो तुम। तुमसे ज्यादा दर्द कौन समझेगा हमारा? लगता है तुम्हें अपने जिंदगी से प्यार वार नहीं है। मेरे लिए पढ़ाई से बढ़कर और कुछ भी नहीं। तो तू समझ ले, तुम्हारी जिंदगी खत्म। तो अब इस दराकी से हमार मुकाबला करोगी? नहीं, हौसलों से। पागल हो गई हो क्या? और तुम एक लड़की हो और लड़कियां ऐसा नहीं करती। सही कहा तूने, लड़कियां ऐसा नहीं करती। मगर हाँ, अगर कोई उसके वजूद के साथ खिलवाड़ करता है तो वो कुछ भी कर सकती है।